हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू जतिन ब्लॉग्स। तो एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। तो आज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ब्लॉग रात को कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रात को आ रही है गुड्डू, यानी कि मेरी बहन, क्योंकि रक्षाबंधन आ चुका है। तो मेरी दीदी आ रही है वहाँ से, नोएडा से आ रही है। तो उसने क्या है, हमें लिटरली बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। वैसे तो उसका कल सुबह आने का था, बट वो अभी आ रही है रात को। और उसने मुझे अभी मतलब तुरंत अभी फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ 15 मिनट में, तू आ जा। तो फिर उसने ना किसी को भी नहीं बताया था, अभी वहाँ पर चल के ना सरप्राइज़ देंगे, सब सो रहे होंगे और मज़ा आएगा। मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को अभी कैसा रिएक्शन रहता है सबका। अभी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अभी मैं फ़िलहाल तो उसको लेने जा रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं और ट्रेन का टाइम है 11:30। तो अभी चलते हैं, पहले मैं उसको लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसा रिएक्शन रहता है सबका, ठीक है। अभी हम पहुंच चुके हैं घर के बाहर और अभी पहले मैं जाऊंगा, फिर मेरा चार्जर ना यहाँ रह गया था, मैं भी फ़ोन करूंगा, गेट खुलाऊंगा, फिर ये आ जाएगी पीछे पीछे। अभी मैं दिखाता हूँ सब कैमरे में, बड़ा मजा सा आ रहा है। ऑन रखना मतलब ना, समझ रहे ना, कैमरा ऑन रखना। तेरा भाई सब समझता है। अभी चलते हैं भाई साहब। चिल्लाओ, कैसे चिल्लाया था, दोबारा चिल्ला। पहले उन्होंने गेटा की बनवा रहे हैं, फिर पापा बनवाएंगे, फिर मैं तो सामने देखो भाई, फोटो सेशन चल रहा है। हम राखी बांधेंगे, पहले तो बातें बातें कर रहे थे, अब राखी बांधेंगे। अब राखो कैलकुलेट हो रही है, ये बुआ की सबकी हो रही है। अरे तो भाई ये बांध लो भाई, ये व्लॉग के बीच में आ रही है। सामने देखो, तो अभी गाय राखी बांध रहे हैं। तो गुड़बा ने खोल दी, गुड़बा ने कितने चीज के गंदे गंदे हाथ आ रहे, देख मेरे कितने सोने सोने हाथ हैं, छील छील होने। ओहो, रोजी तू व्लॉग में बेइज्जती है यार, क्या इज्जत रह गई आपकी। इज्जत होती है ना, उसकी बेइज्जती होती है। माय फैंस गाइस, माय फैंस, फैंस आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, फैंस आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो भाई दिया फोटो सेशन चल रहे है। अरे राखी में मारेगा राखी बनवा के पैसे में ये लिफाफा भी नहीं दे रहे भाई, देखो ऐसे जल्दी कर रहे हैं लिफाफा।
ओ भाई अली बाबा जेब में डाल लिया भाई इन्होंने तो। पैसे मेरे पास है। पैसे आपके पास है? पैसा उनका है ब्रो। ये इनको कितने भी कपड़े दिला दो ये ऐसे ही रोते रहते हैं। अरे ये कुत्ता तो हमारा कुछ भी पहन लेता है। और अभी बनाए मेयोनीज वाले स्वीट कॉर्न अभी खा के देखते हैं। मेयोनीज वाले स्वीट कॉर्न भोले बाबा के बारात में नाचेगा ये। तू बुआ है वो बुआ है क्या हो गया भाई खिलाते कुछ बोलो हमारे गाइस को हंसाओ थोड़ा। इसको साइड करो इस कुत्ते को। उसको साइड करो। कौन सी खानी थी तुझे? क्या दिक्कत है तेरे? ये देखिए ये हम अपनी भतीजी को राखी बांध रहे हैं। फोटो भी खींच लिया। भाई इतना शानदार व्यू हो रहा है यानी कि हम शेरमाधोपुर से 45-50 किलोमीटर दूर आके शिमला के मजे ले रहे हैं। मजा आ रहा है। ये देखो गाइस मेरे पास गाइस यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है। देखो गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी है बहुत सारी पब्लिक आती है। उधर भी गाड़ी का व्यू हो रहा है बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है। देखो गाइस यहाँ पे आना मतलब जरूर आना बहुत अच्छा है मजे आ जाएंगे। तो गाइस अभी ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल आप लोगों में दिखाया था शाकंभरी माता के यहाँ था तो बहुत अच्छा है मतलब बिल्कुल शिमला जैसा व्यू आ रहा था बहुत अच्छा है। जो भी यहाँ पे मतलब पास में आए ना तो ज़रूर वहाँ पे जाके आना मज़ा सा आ जाएगा। एक ठंडी ठंडी हवा रहती है ऐसे मौसम में जाने का मज़ा है गाइस। वहाँ पे बिल्कुल मतलब सारे पेड़ ग्रीन ग्रीन होते हैं ग्रीनरी है बिल्कुल। और ये तो नहीं गया था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। और अभी चल रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी और हमारे लिए बना रही है हमारी गुड्डू बुआ पिज़्ज़ा बना रही है। और भाई इतना टेस्टी पिज़्ज़ा बनाती है ना हम वो जब भी आती है ना हम पिज़्ज़ा बनवाते हैं उससे मस्त बहुत मतलब टेस्टी बनाती है। अभी हमने दो तो खा लिए और अभी एक और आ रहा है तो मैं वो दिखाऊंगा। और मैं किचन में भी चल के दिखाता हूँ कि वो कैसे बना रही है। मैं दिखाऊंगा।
लेकिन रेसिपी नहीं बताई सब गुडबुआ ये पिज्जा बना रही है। आप कैसे बनाते हो? हाथों से। जा तू सॉस लेके आना। देखो गाइस ये एक तरफ मेयोनीज, ये एक तरफ ही क्या है शेजवान। जा तू सॉस लेके आ। जीत गीत सॉस लेके आई अंदर से बड़ी मम्मी के पास। बोलो गीत सॉस लाना अंदर से। ये क्या है? ये क्या है? क्यों बताऊं? ये क्यों बन? नहीं बता रही हूँ। गुडबुआ की बोल जो मैं पिज्जा बना के लाऊं उसकी लेना, ये मत लेना ये गंद लग रहा है। और ये एक ग्लास ले दो दी। तो गाइस अभी रेसिपी तो गुडबुआ किसी ने नहीं बता दी। ये स्पेशल रेसिपी है एक। बड़ी अम्मी से पूछते हैं बड़ी अम्मी कैसा लगा पिज्जा। कैसा लगा पिज्जा? बहुत मस्त, खूब टेस्टी, बहुत मजा आ गया। पिज्जा बन गया, आप चलते हैं। तो गाइस अभी हम फिर आ गए हैं। इस बार इस बार फैमिली के साथ आए हैं। और ये बंदर है, ये अपूर्वा है, ये गीत है, गुड्डू मोटी। और अभी दोबारा आ गए हैं, अभी देखते हैं क्या खाएंगे। तो आज मजे आने वाले हैं। आज फैमिली के साथ आए हैं, वैसे फ्रेंड्स के साथ आते थे। आज फैमिली के साथ आए हैं और रात को व्यू एक बार और मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत बार दिखा दिया। और कल गाइज यहाँ पर सो का तो अगर पॉसिबल हुआ तो अपन ब्लॉग बनाएंगे कल यहाँ पर। तो देखते हैं अभी, इनका फोटो सेशन चल रहा है।